तो आ गए आप। आना ही था वापस, आना ही था। तुम लोगों मेरे बगैर रह ही नहीं सकते और मैं भी नहीं रह सकता यार, सही बता रहा हूँ। आई लव यू। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो टाइम तुमने भी काटा है और मैंने भी काटा है। ये हमारी लाइफ की सबसे मुश्किल घड़ी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्स की। देखो यार, मैं पहले ही कह दूँ, मैं किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को हेट नहीं करता, मैं बस अपने अंदर की फीलिंग्स बता रहा हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार सिलेबस, यार जितना इनका दिल करता है उतना सिलेबस दे देते हैं। 7-8 चैप्टर इकट्ठे ही दे देंगे। यार बच्चा हूँ मैं, कोई रोबोट तो नहीं हूँ। और छुट्टी मंडे से लेकर सैटरडे तक अपनी रगड़ते रहो, छुट्टी एक भी नहीं। और सिर्फ संडे की छुट्टी, और संडे भी सारा ये सोचते रहो, गुजारते रहो कि अगले दिन वापस उस जहन्नुम में जाना है। और अगर स्कूल वालों का बस चले तो ये संडे का भी पेपर रख दें। और ये साले सिलेबस भी एक हफ्ते पहले देते हैं और कहते हैं देखो बेटा तुम्हारे पास एक हफ्ता है, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। अरे यार पागल है, चुतिया है, गाडू है, तुम लोग बच्चे की जान लोगे क्या? अब आते हैं हम अपने प्यारे दोस्तों की तरफ, जो पेपर से पहले तो करण अर्जुन बन कर फिरते हैं और पेपर के बाद मुंडी ऐसे घुमाएंगे आवाज तक नहीं सुनेंगे। यार तुम लोग घर से लेकर आए होते हो कि चाहे जो मर्जी हो, बूंद मरानी है। एक तो बच्चा 8 घंटे रात को पढ़े और सुबह स्कूल जाते वक्त सब भूल जाए, और ऊपर से तुम ये बूंद दिखा दें, घर आकर भी चैन नहीं। घर आए, मुंह हाथ धोया, खाना खुना खाया, टीवी के रिमोट पर बस हाथ ही गया कि आवाज आई, नुन्नू बेटा 3:30 हो गए, ट्यूशन का टाइम हो गया है, चलो आत्महत्या बहनचोद। अब ट्यूशन में 3 घंटे लगातार रगड़ने के बाद घर वापस आए, इतने में कारी साहब आ गए। अब कारी साहब से पढ़कर थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो अब सुकून मिलेगा। इतने में आवाज आई, नो नो बेटा डिनर खा के बेड पर लेटो, सुबह पेपर है तुम्हारा। नहीं, दिल करता है रेलगाड़ी के आगे कोड़ा होकर अपनी जान दे दूं। और कभी कभी तो दिल करता है कि स्कूल में बम चला दूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, पेपर तो देने हैं। अब बात करते हैं अपने टीचर के बारे में। यार कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको गैस के बारे में पूछो ना, साले पूरी बुक निकाल देते हैं गैस के नाम पे, कह देते ये बस ये याद कर लो, तुम्हारा पेपर हो जाएगा। अबे साले दिया क्या तूने गैस, पूरी बुक दे के कहता ये याद कर लो, बुरा पेपर हो जाएगा। कुछ सर होते हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, उनको पैसे पकड़ाओ ऐसे चीटिंग कराएंगे जैसे क्या कहूँ यार अब, लेकिन कोई बात नहीं। और कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं जो बच्चों को लान मार, यार टीचरों के बारे में बात नहीं करनी मैंने, क्योंकि यार मैं भी पसंद करता हूँ टीचर को, तुम भी पसंद करते हो, टीचर्स अच्छे होते हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोगों को कोई बात बुरी लगी तो डिसलाइक मार दो। यार तुम लोगों की ज़िंदगी है, जो मर्ज़ी करो। यार अगर तुम कोई तुम्हें बात करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और यार थोड़ा प्यार से बताएं, थोड़ा प्यार से बताया करना। और नीचे रेड कलर का बटन होगा, उससे जाकर एग्ज़ाम लो, जाओ जल्दी जाओ एग्ज़ाम लो। और मैं अब कल से वीडियो डालना बंद करूँगा, अब मैं 4-5 दिन बाद ही वीडियो डालूँगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और तुम लोगों के भी हो गए होंगे। और ये वीडियो छोटी सी है, मैंने बस अपने दिल की फीलिंग्स तुम्हें बयां करनी थी। और हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा, अबे बैंचो मैं डायलॉग ही भूल जाता हूँ। हाँ, और हाँ मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, इसका किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को हेट करना नहीं है। क्योंकि यार अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो पेंचर ही लगाएंगे यार, तो पढ़ना ज़रूरी है यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय इट।